अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के अवसर पर बाल कल्याण संघ एवं राज्य संसाधन केंद्र द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए बाल कल्याण संघ के सचिव संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2019 में 73,138 एवं 2018 में 63,134 मिसिंग बच्चों का केस दायर हुआ है। यह तो उन केस की कहानी है जो थाने में दर्ज किए गए हैं। ऐसे काफी केस ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो अभी तक पुलिस थाने तक पहुंची ही नहीं है। मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसका कारण बच्चों का मिसिंग होना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। झारखंड सरकार के द्वारा मानव तस्करी, बाल श्रम एवं गुमशुदा बच्चों को तलाश करने हेतु राज्य संसाधन केंद्र का स्थापना किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-34-57-0555 है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विकास दोदराजका ने कहा कि बच्चों को गुम होने से रोकने में 1098 चाइल्ड लाइन और ग्राम बाल संरक्षण समिति की अहम भूमिका है। ग्राम स्तर से अधिक मिसिंग बच्चों का केस थाने दायर होने चाहिए। हम जहां भी रहें वहां इन बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ग्राम बाल संरक्षण समिति को मजबूती प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को 1098 चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सभी जिलों में बच्चों के संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो हम बच्चों को गुमशुदा होने से बचा सकते हैं। बाल कल्याण समिति कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा ने मिसिंग बच्चों का केस थाने में दर्ज किया जाए इसकी प्रक्रिया एवं सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को विस्तार पूर्वक बताया। बैठक में झारखंड राज्य के पाकुड़, दुमका, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी, गुमला, कोडरमा के साथियों ने भाग लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन बाल कल्याण संघ के परिजनों के मन में सुनील कुमार गुप्ता में एवं धन्यवाद ज्ञापन राज्य संसाधन केंद्र की परियोजना समन्वयक ज्योति यादव ने किया। कोरोना महामारी के कारण झारखंड राज्य में हजारों लोग पलायन करके गांव वापसी आए हैं, जिनके रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। उनको दो वक्त की रोटी हम लोग उपलब्ध कराने के लिए बाल कल्याण संघ के द्वारा आज चानो प्रखंड के खूंटी जिलों में आज हम लोगों ने वितरण का काम शुरू किया है। आज हम लोगों ने 100 लोगों को सूखा राशन वितरण किया है, जिससे साथ ही मास्क हमने वितरण किया है और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोग वैक्सीन लें और अपने जीवन को तो बचाएं और दूसरे को भी जीवन बचाने में काम में लगे। You've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।